गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो भी बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो पूरा कछुए के ऊपर होने वाला है। आखिर सनातन धर्म में कछुए को इतनी मान्यता और इतना पूजनीय क्यों बोला गया है? कछुए को कहाँ पर रखना चाहिए? कछुए से हमारे जीवन की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरने लगती है? कछुआ हमारे घर में कैसे सुख शांति प्रदान करता है? कछुआ किस दिशा में रखना चाहिए? किस प्रकार का कछुआ आपके जीवन में किस प्रकार का लाभ पहुंचा सकता है? कछुआ कुबेर जी और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है। सब कुछ इस वीडियो में बहुत ही गहराई से बताया गया है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। कछुए से व्यक्ति जीवन में सुख समृद्धि और खुशियाँ पा सकता है, तथा छोटे छोटे अचूक उपाय करके भी वो अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकता है। सर्वदा के लिए धन और ऐश्वर्य की देवी महालक्ष्मी को अपने घर में स्थायित्व दिया जा सकता है। अगर आपके निवास स्थल पर किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई वास्तु दोष हो या कोई अन्य दोष हो, या स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी हो, घर में बरकत नहीं हो पा रही हो, तो आप कुछ वास्तु और फेंगशुई शास्त्र के अचूक उपाय अपना करके अपने जीवन की समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं तथा अपने जीवन को सुख समृद्धि एवं खुशहाल बना सकते हैं। कछुए का वास्तु में बहुत महत्व बताया गया है। कछुआ शांति और मंद गति से चलने वाला दीर्घ जीवित प्राणी होता है। कछुए को सनातन धर्म में और चाइनीज वास्तु के अनुसार शुभता का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कछुए के प्रतीक को घर में रखने से आर्थिक उन्नति होती है तथा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर में रहने वाले सदस्यों की सेहत भी अच्छी होती है। कछुए का धार्मिक महत्व ये है कि सनातन धर्म में कछुए को कूर्म अवतार अर्थात कछप अवतार कह करके संबोधित किया गया है। भगवान विष्णु के दशावतार में कूर्म अर्थात कछुआ भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है। कछुए का प्रयोग प्राचीन समय से ही वास्तु उपाय के रूप में किया जाता है। प्राचीनतम मंदिरों में हमें असीम शांति अनुभव होती है। उसका मुख्य कारण मंदिर के मध्य में कछुए की स्थापना है। जैसे ही किसी भी मंदिर का भूमि पूजन होता है, वहाँ पर कछुए की स्थापना होती है, क्योंकि कछुआ बहुत ही शुभ माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार कच्छप के अवतार में भगवान विष्णु ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन के समय मंदरांचल पर्वत, जो कि समुद्र में लगातार धसा जा रहा था, तो देवता और दानवों ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की, भगवान हम समुद्र मंथन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप समुद्र मंथन करके हमारी सहायता कीजिए। क्योंकि मंदरांचल पर्वत समुद्र के अंदर लगातार धसा जा रहा था, इसलिए आप कोई उपाय बताएं। भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण किया और मंदरांचल पर्वत जो था वो अपनी पीठ के ऊपर उन्होंने धारण कर लिया। 1,00,000 लंबा चौड़ा योजन स्वरूप उन्होंने बना लिया था कच्छप के रूप में। इस प्रकार मंदरांचल पर्वत को वासुकी नाग की रस्सी से शेष नाग की सहायता से देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन करके 14 रत्नों की प्राप्ति की थी। इसीलिए समुद्र से जितने भी रत्न प्राप्त हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसी का अगर माना जाता है तो वो है कछुआ रूपी भगवान विष्णु का। तभी से हमारे धर्म ग्रंथों में कछुए का विशेष महत्व है। कछुए को लक्ष्मी का स्वरूप ही माना जाता है। जहाँ पर कछुआ रहता है वहाँ पर धन संपत्ति स्वयं खींची चली आती है। लक्ष्मी जी साक्षात वहाँ पर उस घर में निवास करती हैं। कछुए रखने के कुछ सिद्धांत हैं। कछुआ प्रभावशाली यंत्र होता है, जिससे वास्तु दोष का निवारण होता है और साथ ही घर में सभी प्रकार की सुख शांति और समृद्धि आती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है। फेंगशुई में भी कछुआ रखना बेहद शुभ माना जाता है। इससे घर और ऑफिस में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इसके लाभ कौन कौन से हैं, किस किस प्रकार के कछुए आते हैं और किस प्रकार का कछुआ आपको आपके घर में रखना चाहिए और किस दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि गलत दिशा में रखने से शुभ के बजाय अशुभ परिणाम भी प्राप्त होने लगते हैं। यदि किसी को धन संबंधित परेशानी है तो उसे क्रिस्टल वाला कछुआ रखना चाहिए। घर में कछुआ रखने से परिवार के लोगों की उम्र लंबी होती है और साथ ही कई बीमारियां दूर भी होती हैं। कछुआ बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए कहा जाता है कि इसे पास रखने से नौकरी और परीक्षा में भी सफलता प्राप्त होती है। घर में मौजूद कछुआ आपको और आपके परिवार को नज़र लगने से भी बचाता है। आइए जानते हैं 3 ऐसे कछुए जो आपको घर में या ऑफिस में रखना चाहिए। पहला है स्फटिक का कछुआ। कछुआ एक प्रभावशाली यंत्र है, जिससे वास्तु दोष का निवारण होता है और खुशहाली आती है।
वास्तु तथा फेंगशुई में स्फटिक निर्मित कछुआ घर में रखना ज़्यादा असरकारक माना जाता है। इसे घर में रखने से कामयाबी के साथ साथ धन दौलत का भी समावेश होता है। अगर आप काफ़ी समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और कई उपाय करने के बाद भी आपको विकल्प नहीं मिल रहा है, तो आप घर में स्फटिक से बना हुआ कछुआ रख लें। इसे घर की आपको उत्तर दिशा में रखना है। ध्यान से सुनिएगा, उत्तर दिशा में आपको रखना है और मुंह अंदर की तरफ होना चाहिए, यानी कि घर के अंदर ही इसका कछुए का मुंह होना चाहिए। यदि आप व्यापारी हैं तो अपने प्रतिष्ठान की उत्तर दिशा में स्फटिक का कछुआ रख सकते हैं। ऐसा करने से व्यापार में धन लाभ और सफलता मिलती है, रुके हुए काम भी जल्दी होने लगते हैं। दूसरा है धातु का कछुआ, यानी कि पीतल, चांदी, तांबा या अष्ट धातु से बना हुआ घर में या व्यवसाय स्थल पर लगाना शुभ माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और वास्तु दोष भी समाप्त होता है। घर में धातु का कछुआ रखने से कई समस्याओं के समाधान में मदद मिलती है। कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी अगर आपको करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप अपने घर की उत्तर दिशा में धातु से बना हुआ कछुआ आपको रखना चाहिए। इस दिशा में अगर आप कछुआ रखते हैं, इस धातु का कछुआ रखते हैं, तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है और परिवार के सदस्य का मूड भी अच्छा रहता है। तीसरा होता है पीठ पर बच्चे वाला कछुआ। आपने देखा होगा कि कछुए के ऊपर भी कछुआ और उसके ऊपर भी कछुआ, ऐसे कछुए की मूर्ति। कछुए को घर में गुड लक के लिए भी रखा जाता है, लेकिन एक खास प्रकार की मादा कछुआ जिसके पीठ पर बच्चे कछुए भी होते हैं, यह प्रजनन का प्रतीक है। जिस घर में संतान नहीं है या जो दंपत्ति संतान सुख से वंचित है, उन्हें इस प्रकार का कछुआ अपने घर में रखना चाहिए। इससे उनको लाभ मिलता है और परिणाम भी मिलता है। ये भी आपको उत्तर दिशा में ही रखना चाहिए। घर में कछुआ किस दिन रखना चाहिए, कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिन होता है, आइए जानते हैं। वास्तु के अनुसार बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार को आप ये कछुआ रख सकते हैं, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ दिन होते हैं। आप पंचांग के मुताबिक कोई भी शुभ समय चुन सकते हैं या शुक्रवार के दिन सूर्यास्त के बाद आप रख सकते हैं। कछुए की पीठ पर अगर सर्व सिद्धि यंत्र बना हो तो भी शुभ होता है और उत्तम होता है। इसी प्रकार कछुए को अपने घर में ला करके आप सबसे पहले उसको शुद्ध जल से, या गंगा जल हो या पंचामृत हो, तो आप उससे स्नान कराएं। इसके बाद कछुए को आपको भगवान विष्णु का रूप मानना है और भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपको 108 बार जाप करना है। इसके बाद आपको गाय के दूध से उसे अच्छी तरीके से स्नान कराना है। इसके बाद आपको चंदन, कुमकुम, रोली, मेहंदी, अबीर, सिंदूर, ये सब पूजन सामग्री से भी आप पूजन कर सकते हैं। पूजन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि विष्णु स्वरूप एक कछुआ हमारे घर में जब पहली बार आता है तो उनका पूजन भी कर लेना चाहिए। ध्यान रखें, आप कछुआ कभी भी खरीद सकते हैं, लेकिन आप ये पूजन अगर शुक्रवार की शाम को सूर्यास्त के बाद अगर करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहता है। ध्यान रखें, कछुआ आपको खाली नहीं रखना है, आपको नीचे प्लेट रखनी है और उसमें पानी भी भरना है। कछुआ अगर आप कोरा रखते हैं तो उससे कोई भी लाभ नहीं होगा, आपको नीचे एक प्लेट में पानी रखना ही है और पानी भी आपको बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार के दिन ही भरना है। आपको कछुआ बेडरूम में नहीं रखना है, आपको कछुआ या तो आपके घर के मंदिर के वहाँ पर रखना है या तो आप अपने घर के हॉल में रखें। कछुआ जहाँ पर रखा है बार बार आप उसे उठाएं नहीं, बार बार उसका स्थान चेंज नहीं करें, क्योंकि यदि आप बार बार कछुआ रखने का स्थान परिवर्तित करेंगे तो इससे लक्ष्मी का स्थान भी परिवर्तित हो जाता है। ध्यान रखें, यदि आपके पास कोई कछुआ है और आप किसी को उपहार के रूप में अगर वो कछुआ दे रहे हैं, तो आपको ये कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके घर में जो भी सुख, शांति, समृद्धि आ रही है तो वो कछुए के साथ वो भी उस सामने वाले के घर पे चल जाएगी। तो ध्यान रखें, आपको कछुआ जब किसी को गिफ्ट करना है, उपहार में देना है, तो बाज़ार से खरीद करके डायरेक्ट उसे दे दें, आपके घर का कछुआ आपको नहीं देना है। इस वीडियो के अंदर हमने आपको तीन कछुए बताए, स्फटिक का कछुआ, धातु का कछुआ और पीठ पर बच्चे वाला कछुआ। इन तीनों कछुए में से आप कोई सा भी एक लेके आ सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा कछुआ लेना चाहिए, वास्तु के अनुसार कौन सा कछुआ आपके घर के लिए शुभ रहेगा, आप बाज़ार से कोई गलत कछुआ ना लेके आ जाए, तो इसीलिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है ताकि आप सही कछुआ ले सकें और आपके घर में धन धान्य के भंडार भर जाएं। इसीलिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप देख लीजिए। आप या तो हूबहू वैसा ही कछुआ अगर आपको मार्केट में मिलता है तो आप लेके आ जाइए, या तो ऑनलाइन आप परचेस कर लीजिए। जीवन में सुख शांति पाना है तो इस कछुए को आपको घर में लेकर ही आना है, क्योंकि कछुआ लेकर के आएंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र
यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।